नमस्ते टू ऑल, आई एम एकता मंडोई वेलकम्स यू इन ऑनलाइन क्लास अब अभ्युदय विद्यास्थली। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, सेंसेस ऑफ टच एंड स्मेल ऑफ क्लास 4th। ओके, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंसेस ऑफ टच एंड सेंसेस ऑफ स्मेल, दो सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वॉट आर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद में हम इनमें से दो सेंस ऑर्गन्स जो होंगे, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ स्मेल, इसमें रीड करेंगे। एंड आफ्टर दैट बी केयरफुल अबाउट वॉट यू टच, आप जिस भी चीज़ को टच करते हैं तो उसको आपको केयरफुली टच करना है, वो पढ़ेंगे हम लोग। एंड लास्ट वन इज लेटर्स बी सेंसिटिव, सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंटली एबल्ड पीपल के बारे में। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द टर्म सेंस ऑर्गन्स। व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सो देयर आर सम ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच टेल अस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हम कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं हमारे अंदर जो हमको फील करवाते हैं हमारे सराउंडिंग एरियाज में क्या क्या चीज़ें चल रही है, कौन सी चीज़ कैसी है, कैसी दिखती है, ठीक है, कैसी स्मेल करती है ना, फील होती है। तो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमें फील करवाते हैं हमारे सराउंडिंग एरियाज में कि ये हमारा वर्ल्ड कैसा है, ये हमारे लिए एक टाइप से एक विंडो की तरह काम करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट है आईज, सेंस ऑफ साइट। दूसरा है ईयर, सेंस ऑफ साउंड। थर्ड नोज, सेंस ऑफ स्मेल। टच स्किन, सेंस ऑफ टच। एंड टंग, सेंस ऑफ टेस्ट। तो ये आपको फील करवाते हैं अलग अलग सेंस के बारे में, मीन्स कौन सी चीज़ कैसी दिखती है। सेंस ऑफ जो साइट होता है वो आपको फील करवाता है साइज एंड शेप एंड कलर ऑफ द थिंग्स, आपकी जो भी साइज और शेप होता है डिफरेंट थिंग्स का वो कैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट आप ईयर जो होता है साउंड, आप इजीली इसको ईयर कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सुनकर भी, है ना, तो कौन सा साउंड आपको साउंड फील करवाता है। नेक्स्ट स्मेल, किसी भी चीज़ की स्मेल फील करवाते हैं आपको। टच, किसी भी चीज़ को फील करके, टच करके आप फील कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है। एंड टेस्ट करके भी आप उसको पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है। तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमें फील करवाते हैं कि हमारे आसपास का जो सराउंडिंग एरियाज है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो किस टाइप का है या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्व्स। नर्व्स क्या होती है, सो आवर सेंस ऑर्गन्स हैव थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स। ओके, हमारे सेंस ऑर्गन में क्या होती है, थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स होती है। नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। ठीक है, सो नर्व्स क्या काम करती है, ये सिग्नल को पिक करती है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड। ओके, और उस सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करती है ब्रेन तक। ठीक है, सपोज अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को देखा है तो नर्व आइज क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट का जो सिग्नल होगा वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगी और बाद में ब्रेन उस पर प्रोसेस करके आइडेंटिफाई करता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट देखा है वो क्या है, किस टाइप का दिख रहा है, उसका साइज क्या है, उनका शेप क्या है। ठीक है, सो नर्व्स हमारी हेल्प करती है बहुत इन सब में, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर चीज़ों को फील करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच इट मीन्स स्किन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो सेंस ऑफ टच में आप स्किन जो होती है आपकी पूरी होल बॉडी को कवर्ड किए हुए हैं। ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज और अदर थिंग्स। हमारी स्किन क्या करती है, हमारी पूरी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, पूरी बॉडी को कवर करके रखी है ताकि हमारी जो बॉडी है वो सेफ रहे। ठीक है, सो सेंस ऑफ टच में आप किसी भी चीज़ को इजीली टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है, ड्राई है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, हार्ड है, टेक्सचर उसका वेट है, ड्राई है। तो आप इसी किसी भी चीज़ को इजीली टच करके उसको फील कर सकते हैं। कैसे, जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को व्हेन यू टच, तो आपके जो नर्व्स होती है वो क्या करती है, उसके सिग्नल को कहाँ तक पहुँचाती है, आपके ब्रेन तक पहुँचाती है, और जो आपका ब्रेन है उसके ऊपर प्रोसेस करके वापस सिग्नल, आप जो मैसेज है वो आप तक पहुँचाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है या फिर वो किस टाइप का है, आपने जिसको भी टच किया है वो किस टाइप का है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, हार्ड है, रफ है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन हेल्प करती है, हमारी नर्व्स हेल्प करती है। सेंस ऑफ टच में अब यहाँ पे आप देख रहे हैं गुड टच एंड बैड टच। ओके, सो सम टच आर गुड्स एंड सम टच आर बैड्स। सो गुड टच कौन से होंगे, सम टच फील अस
सेफ, कंफर्टेबल, है ना, नाइस. कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जब वो आपको टच करते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबली फील करते हैं, सेफ फील करते हैं. ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, गुड टच बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पेरेंट हमको टच करते हैं, ठीक है, हमारे घर में जो मेम्बर्स है वो हमें टच करते हैं, तो हमें क्या रहता है, गुड टच होता है, मतलब हमको अच्छा फील होता है. बट समटाइम्स हम पीपल फील अस अनसेफ, अनकम्फर्टेबल, अपडेट. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो हमें टच करते हैं तो हमको कैसा टच फील होता है, अनसेफ होता है, ठीक है, या फिर वो ठीक फील नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, बैड टच बोलेंगे. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप आपके जो घर में पेरेंट है, या आपके एल्डर्स है, या आपके जो टीचर्स है, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी तरह से ऐसा लग रहा है कि वो कैसा टच है, बैड टच है, तो आप बहुत इजीली उसको आपके घर वालों को बता सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बी केयरफुल अबाउट वॉट यू टच. आप कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े होते हैं वो हमको उन चीज़ों को टच करने से मना करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कैसी होती है, डेंजर्स होती है, हार्मफुल होती है, हमको हर्ट कर सकती है. ठीक है, सो बहुत हमको क्या करना चाहिए, उनको इजीली, मतलब केयरफुली हमको उनको टच करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जानते हैं कि कोई चीज़ अगर हॉट है तो आप उसको डायरेक्टली टच नहीं करें, क्योंकि वो आपके हैंड्स को क्या कर सकती है, जला सकती है. इसके अलावा प्लग जो होते हैं उनको आपको पता है कि उनसे शॉक लग सकते हैं, तो कभी भी वेट हैंड के थ्रू आप किसी भी स्विच को ऑन ऑफ नहीं करें. स्पेशली जो बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, तो बच्चे कभी भी स्विच को ऑन ऑफ नहीं करें, स्विच को टच नहीं करें. इसके बाद कोई भी शार्प थिंग्स जो होती है वो भी हमको इजीली हर्ट कर सकती हैं, तो आप उसको भी बहुत केयरफुली यूज़ करें. ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, दे हैव थॉर्न्स, उनके अंदर कांटे होते हैं, तो वो भी हमको डैमेज कर सकते हैं या हर्ट कर सकते हैं, तो आप उसको भी केयरफुली टच करें. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको केयरफुली टच करने की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंस ऑफ स्मेल. जैसे हमने देखा है यहाँ पे सेंस ऑफ टच, वैसे हम लोग देखेंगे सेंस ऑफ स्मेल. सेंस ऑफ स्मेल में हमको कौन हेल्प करेगा, हमारी नोज. ओके, सो नोज हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल स्मेल. ठीक है, नोज हमारी हेल्प करती है डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी चीज़ की. ठीक है, सो उसमें भी वही होता है कि जो नोज की जो नर्व्स होती है, अगर आप किसी भी चीज़ की स्मेल ले रहे हैं तो उस स्मेल से सिग्नल को लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, और हमारा ब्रेन उस पर प्रोसेस करके उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो स्मेल कैसी है, मीन प्लीसेंट स्मेल है, बैड स्मेल है, गुड स्मेल है. ठीक है, और नोज़ हमको बहुत इजीली आइडेंटिफाई करती है स्मेल को डिटेक्ट करने में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे किचन में कुछ बन रहा है, हमारे घर में कुछ बन रहा है, तो आप इजीली उसको स्मेल करके पता लगा लेते हैं. आपके टिफिन में अगर कुछ है, लंच में आपके, तो आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं. ठीक है, तो स्मेल से भी आप इजीली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना. उसके अलावा कुछ स्मेल होती है वो बहुत गुड टाइप, प्लीसेंट टाइप की स्मेल होती है. फॉर एग्जाम्पल, परफ्यूम, फ्लावर्स, ठीक है, ये कैसी होती है, प्लीसेंट टाइप की स्मेल होती है. कुछ ऐसी होती है बैड टाइप की स्मेल होती है, फॉर एग्जाम्पल गार्बेज, ड्रेन. ठीक है, सो सेंस ऑफ स्मेल में होता है नोज़, जो हमारी हेल्प करती है स्मेल करने में, थिंग्स को डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स को स्मेल करने में, या उसको आइडेंटिफाई करने में. नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे लेट अस बी सेंसिटिव. तो इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंटली एबल्ड पीपल, इनको स्पेशल पीपल भी बोला जाता है. ठीक है, सो डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन होंगे, पीपल हुज वन और मोर सेंस ऑर्गन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. कुछ ऐसे पीपल होते हैं जिनके अंदर एक एक या एक से ज़्यादा जो ऑर्गन्स होते हैं वो ठीक टाइप से प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो उनको डिफरेंटली एबल पीपल बोलेंगे, या तो फिर स्पेशल पीपल बोला जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु कैन नॉट सी एट ऑल. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं, उनको बोलेंगे ब्लाइंड पीपल. तो उनके लिए कौन सी, उनके लिए एक लैंग्वेज होती है ब्रेल लैंग्वेज टू रीड एंड राइट. जैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, वैसे ही जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए लैंग्वेज होती है ब्रेल लैंग्वेज होती है. इसमें 6 डॉट्स होते हैं जिसको फिंगर के थ्रू फिल करके चीज़ों को रीड किया जाता है. तो ब्लाइंड पीपल को ये लैंग्वेज सिखाई जाती है ब्रेल लैंग्वेज, जिसका जिसके थ्रू वो इजीली चीज़ों को रीड करना सीखते हैं. इसके अलावा सम पीपल हु कैन नॉट हीयर और स्पीक एट ऑल. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कौन सी लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज होती है. इसका यूज़ करके दे एक्सप्रेस देम सेल्व, वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को हमारे सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं साइन लैंग्वेज में. हैंड मूवमेंट के थ्रू जो होती है वो डिफरेंट टाइप की साइन बनाई जाती है, उसके थ्रू क्या होता है, हमको सिखाया जाता है
अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, ठीक है। सो डिफरेंटली एबल पीपल को होंगे ऐसे पीपल जिनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो ठीक टाइप से वर्क नहीं करते हैं। तो जैसे ये जो पीपल्स होते हैं, अगर उनका एक कोई बॉडी पार्ट ठीक टाइप से वर्क फंक्शन नहीं कर रहा है तो जो दूसरा सेंस ऑर्गन होता है उसका जो पावर होता है बहुत स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लाइंड पीपल हैं, देख नहीं सकते हैं लेकिन इनकी हियरिंग जो पावर होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब ये सुनकर इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो आज हमने देखा हमारा जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट सेंस ऑर्गन, व्हाट आर सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे लिए, हम चीज़ों को डिटेक्ट करने में हमारी